वेलकम टू स्टडी रैपिड। स्टडी रैपिड के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में जो हम बात करेंगे, जो टॉपिक है हमारा, वो है जीके का टॉपिक यानी जनरल नॉलेज का। स्पेशली फॉर द वीडियो जो डेडिकेटेड है वो आर्मी पब्लिक स्कूल से रिलेटेड है, और इसके साथ जितनी भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी में आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो जो इसमें आर्मी पब्लिक स्कूल में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इंग्लिश में ही पूछे जाते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन, एक्सेप्ट हिंदी जो क्वेश्चन है वो हिंदी पेपर जो है वो हिंदी में आते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन इंग्लिश में ही होते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं जीके पार्ट का कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच डेजिग्नेशन हैज बीन गिवन टू क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी इन इंडियन आर्मी, यानी कि इंडियन आर्मी में महेंद्र सिंह धोनी को कौन सा डेजिग्नेशन दिया गया है। जो डेजिग्नेशन दिया गया था अभी रिसेंटली वो दिया गया लेफ्टिनेंट कर्नल का। क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं क्या है। फेज द काकरा एटॉमिक एनर्जी स्टेशन, ये जो काकरा पारा जो एटॉमिक एनर्जी स्टेशन है ये कहाँ पर है, ये गुजरात में है। ये स्ट्रेटेजी का पार्ट है जो कि क्वेश्चन इस तरह से बनेंगे, क्योंकि पीजीटी टीजीटी और पीआरटी का जो एग्ज़ाम फर्स्ट पेपर होगा उसमें जीके का पार्ट है, तो उसमें कहीं ना कहीं आपके ये क्वेश्चन हेल्प करेंगे। विच इज द करेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा के अभी जो करंट चीफ मिनिस्टर हैं उनका क्या नाम है, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है बट स्टडी जीके का भी एक पार्ट है, तो ये टाइम टू टाइम बदलता रहता है। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होते हैं जैसे गवर्नर कौन से स्टेट में कौन है, चीफ मिनिस्टर किस स्टेट में कौन है, या कौन सा इलेक्शन हुआ अभी, इसके बारे में क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं क्या है। हु हैज स्टार्टेड टू पब्लिश द हिंदू न्यूज़पेपर, जो हिंदू न्यूज़पेपर है फर्स्ट टाइम किसने शुरुआत की थी पब्लिश करने के लिए, वो किया था वी राघवाचार्य जी ने किया था, वी राघवाचार्य जी ने। क्वेश्चन फाइव, फेयर इज द सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी इन इंडिया, हैदराबाद में है जो कि नेशनल पुलिस एकेडमी के नाम से भी जाना जाता है, ये लोकेटेड है हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं क्या है कि विच कंट्री इज नोन एज द कंट्री ऑफ फार्मर्स, यानी किसानों का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है, वो है फ्रांस। फ्रांस में जो मेजोरिटी ऑफ पर्सन है, या यूं कहें कि वहाँ के लोग फार्मर्स से ज़्यादा पॉपुलर हैं, क्योंकि वहाँ टेक्नोलॉजी को लेके या वहाँ पे प्रोडक्शन बहुत अच्छा है इन टर्म्स ऑफ द एग्रीकल्चर में। क्वेश्चन नंबर सेवन कि हु हैज रिटन द फॉर्चून द बॉटम ऑफ द पिरामिड, इस बुक के जो राइटर हैं उनका क्या नाम है, इस बुक के जो राइटर हैं उनका नाम है सी के प्रहलाद। क्वेश्चन एट देखते हैं क्या है, वेज द इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरी, जो एस सेंचुरी है ये गुजरात में है जो कि बहुत ही फेमस और बहुत ही अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है, तो यदि आपको टाइम मिलता है डेफिनेटली आप विजिट कीजिए आप एज ए टूरिस्ट इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरी जो गुजरात में है। क्वेश्चन नाइन, वैनिटी फेयर हैज बीन रिटन बाय हूम, जो वैनिटी फेयर है नॉवेल इसके जो राइटर हैं उनका क्या नाम है, उनका नाम है विलियम ठाकरे ने इस बुक को राइट किया था। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ फिरोजशाह कोटला मैदान, अभी रिसेंटली में फिरोजशाह कोटला मैदान का नाम चेंज कर दिया गया है, लेकिन अब क्या है इसके बारे में जानते हैं। अब इसका जो नाम चेंज हो गया है वो अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से हो चुका है, आप ऑनलाइन देखना चाहें ऑनलाइन भी देख सकते हैं, बट न्यूज में बहुत ही ये क्वेश्चन ट्रेंडिंग में था, बट अभी क्वेश्चन ही भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नोबेल प्राइज अवार्ड स्टार्टेड टू डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि जो नोबेल प्राइज दिया जाता है इकोनॉमिक्स में और मेडिसिन में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, पीस में, इन सब फील्ड में जो नोबेल प्राइज दिया जाता है वर्ल्ड वाइड, इसकी शुरुआत जो हुई थी 1901 में हुई थी, यानी 1901 में इसकी शुरुआत की गई थी। फेज द मनालो ज्वालामुखी वेलकैनो जिसको कहते हैं इंग्लिश में, ये कहाँ पर है, ये है हवाई द्वीप में, हवाई द्वीप में आइसलैंड में है मनालोआ ज्वालामुखी। क्वेश्चन 13 देखते हैं क्या है कि फेज द इंडियन आर्मी फोर्स ट्रेनिंग सेंटर, इंडियन आर्मी फोर्स ट्रेनिंग सेंटर जो है ये कहाँ पर है, ये है चेन्नई में। चेन्नई कहाँ पर है, साउथर्न पार्ट है ऑफ इंडिया, इंडिया का साउथर्न पार्ट है जो कि तमिलनाडु की कैपिटल है। व्हाट इज द कलर ऑफ सरदार सोलर कुकर इनसाइड, कहने का मतलब है जो सोलर कुकर होता है
उसके आउटसाइड तो ब्लैक कलर होता है, बट इनसाइड जो होता है वो वाइट कलर का होता है, ताकि उष्मा जो बाहर से अवशोषित होती है वो जल्दी से जल्दी खाने को पका सके। क्वेश्चन 15, हु हैज रिटन द सूटेबल बॉय नॉवेल। ये सूटेबल बॉय एक नाम है, असूटेबल बॉय ये नॉवेल का नाम है। इस नॉवेल को किसने लिखा है? वो लिखा है विक्रम सेठ जी ने लिखा है। क्वेश्चन 16 हम देखते हैं, फेरिस्ता यांकी स्टेडियम, जो यांकी स्टेडियम है स्पेशली फॉर द बॉक्सिंग के लिए जाना जाता है, तो ये स्टेडियम है न्यूयॉर्क में। क्वेश्चन 17 देखते हैं क्या है, हु वॉज द फर्स्ट कोच ऑफ वीमेन क्रिकेट, महिला क्रिकेट टीम की जो पहली कोच थी उनका क्या नाम है? शांता रंगास्वामी। क्वेश्चन 18 देखते हैं क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिन उड़ीसा डे इज ऑब्जर्व, यानी उड़ीसा जो अपना डे मनाता है, सेलिब्रेट करता है, वो कौन सा डे सेलिब्रेट करता है? 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को उड़ीसा अपना स्थापना दिवस मनाता है, यानी उड़ीसा डे। क्वेश्चन 19 देखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फेयर येलो फॉस्फोरस इज केप्ट, जो येलो फॉस्फोरस है वो कहाँ पर रखा जाता है ताकि वो सेफ रहे, वो रखा जाता है पानी में। ये साइंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 20, जो कि इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ वियतनाम, वियतनाम का कैपिटल का नाम क्या है? कैपिटल का नाम है हनोई। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आर्मी पब्लिक स्कूल में या रेस्ट ऑफ अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीके के, वो इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैं नहीं बनाता हूँ, उसके रीजन ये है कि आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन मिल सके, ये उद्देश्य होता है, ताकि कम समय जब आपको ज़्यादा क्वेश्चन मिलेगा तो आपको प्रिपरेशन करने में आसानी होगी। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सबको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को शेयर कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इसी तरह से एजुकेशनल वीडियो मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।